बेलीपार क्षेत्र के देवगली गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में आसपास के लोगों ने भैंस का तबेला बना दिया है। स्कूल के बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण लोगों ने स्कूल परिसर में भैंस बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद उसी परिसर में गोबर भी रखने लगे, जिससे वहां शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जहाँ सरकार प्राथमिक शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है, वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही छात्रों के भविष्य का पर असर पड़ रहा है। वहीं बच्चों के लिए बन रहा मिड डे मील भवन के बगल में गोबर तथा कचरे का अंबार लगा रखा है, जहां पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इस संबंध में स्कूल की टीचर अरुणिमा त्रिपाठी और तेज प्रताप मौर्य ने कहा कि विद्यालय की स्थिति सुधारी जाएगी। जबकि इस संबंध में गोरखपुर न्यूज के संवाददाता ने जब बीएसए बीएन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, खंड शिक्षा अधिकारी को जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने बताया आप आइए देखिए जो है उसको आप कहिए। अभी इस साल का पैसा तो हम क्या करेंगे, 1 लाख अब तक 2 लाख में क्या करेंगे? नहीं मेरा बजट नहीं है। उसके बाद जब ये बाउंड्री होगी फिर देखिएगा यहाँ जमा क्या था। ताला क्यों बंद है? बच्चे जो कि बाहर बैठे हैं ना, तो बच्चे बाहर बैठे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या ताला बंद रहेगा कमरे में? ताला खोली, खोल के आपका ताला बंद है क्या? बाहर रहूं चल जाए कमाल सब कर था ना, तो ऐसे चलिए देख सब चल नहीं ताला लाख रहे दवाला। इस नाते थोड़ी सी है असली मेज वेज वो सारे बाहर है। अरे अब तो देखने लायक। और हाँ, और कल यहाँ पे सर वो और के बाहर
पूजा। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कितने अध्यापक हैं आप विद्यालय में? दो। दोनों लोग आते हैं? यस। आज नहीं आए? नहीं। क्यों? सर जी शायद घर गए हैं। सुनीता देवी, यहाँ पर खाना बनाती हूँ, सब्जी चावल। यहाँ पर चार किलो बनता है सब्जी चावल, हाँ मेनू के हिसाब से। आज क्या है मेनू के हिसाब से? आज है सब्जी चावल। सब्जी में किस चीज की सब्जी है? आलू गोभी टमाटर। सोयाबीन लिखा हुआ? तो सोयाबीन नहीं है सर। तेज प्रताप मौर्य, यहाँ इंचार्ज सहायक अध्यापक। दरवाजे सर बनवाया गया था या फिर बनेगा? दरवाजा बनवाया गया था, आप इधर बारिश वरिश हुआ है, टूट गया है, फिर मेंटेनेंस का काम होगा। अंदर सारे कबाड़ भरे पड़े हुए हैं? कबाड़ नहीं सर, वो जो टूट गया है, जो भी वो बेंच वगैरह था टूट गया, उसको एक जगह रख दिया गया है। उपले वगैरह भी रखा देखा गया है? उपले सर थोड़ा बहुत है, तो उसको जो है इमरजेंसी के लिए रखा गया है। दो लोग हैं सर, दो लोगों की तैनाती है, एक हम है और एक सहायक अध्यापक और है। दोनों तो मौजूद है विद्यालय? नहीं सर, हम हैं और वो जो है छुट्टी पर हैं। कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? विद्यालय नामांकित 45 बच्चे नामांकित हैं। अरुणी त्रिपाठी। विद्यालय का देखा गया क्या रखा था? अच्छा है सर जी। हाँ विद्यालय के अंदर बहुत से कबाड़ टाइप के देखे गए हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है सर जी, अभी वो आया है वो बजट, तो पेंटिंग का काम चल रहा है। हाँ कितने अध्यापक तैनात हैं आपके विद्यालय? हमारे विद्यालय पे दो सहायक अध्यापक और दो वो शिक्षा मित्र हैं। विद्यालय की चार दीवारी नहीं है? हाँ वो उस पर भी काम हो रहा है, और हमारे जो हैं प्रधान जी वो काफ़ी हैं सपोर्टिव, और वो काम करवाए हैं, वो मतलब करवाएंगे जल्द ही। बोले 67 संज्ञान में हमारे आया है, और हम तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी से बात भी किए हैं, और उसमें कुछ स्कूल के पीछे वाली साइड में गांव वालों ने अपने नाद वगैरह रख रखा है, गाय भैंस बांधते हैं, तो उसको हम तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी SDM साहब से संपर्क करके उसको खाली करावें, और हमारे स्तर से भी जो हो सकेगा यथाशीघ्र SDM साहब से संपर्क करके उसको खाली कराएंगे, जो अवैध रूप से लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ चार दीवारी निर्माण के लिए भी 14वें वित्त से हम प्रयास करेंगे DPRO साहब से कि चार दीवारी बन जाए, जिससे कि हमारी विद्यालय की सुरक्षा बनी रहे।